दिल्ली की नई शराब नीति के कथित घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर संशय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जांच एजेंसी के सूत्रों की माने तो अयोध्या में राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उस वक्त दिल्ली सहित देश के दूसरे क्षेत्रों में राम मंदिर को लेकर उत्साह का माहौल रहेगा। खास तौर पर उत्तर भारत में बीजेपी इस कार्यक्रम को सियासत में फायदे के तौर पर भी देख रही है, और यही वजह है कि बीजेपी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देश नहीं बल्कि विदेश तक पहुंचा दिया है। और इसी दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान केजरीवाल की गिरफ्तारी लगभग संभव है। अभी तक केजरीवाल को ईडी ने 3 सम्मन भेजे हैं। केजरीवाल किसी भी सम्मन पर जांच एजेंसी के समक्ष नहीं पहुंचे हैं। अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जांच एजेंसी किसी भी वक्त मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। अगर अब केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो आप इसका बड़ा पॉलिटिकल माइलेज भी ले सकती है। खासतौर पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी में आपका एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इससे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह प्रभावित भी होगा। राजनीतिक प्रदर्शन से रोड जाम जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी देश और विदेश से लोगों को अयोध्या लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी 22 जनवरी के आसपास या उसके बाद हो सकती है। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि देश में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दो। बतौर केजरीवाल, मेरी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी है। ये झूठे केस लगाकर मेरी ईमानदारी पर चोट कर रहे हैं। मेरे वकील ने बताया कि ये सभी समन गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी क्यों है, इसका जवाब मैंने ईडी को दिया है। अगर ये सही समन भेजते हैं तो मैं जांच में सहयोग करूंगा। पहले भी सीबीआई जांच में सहयोग किया है। बीजेपी का मकसद सही जांच करना नहीं है, इसके पीछे मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना सबसे बड़ा और मुख्य मकसद है। बता दें कि केजरीवाल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 6 से 8 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर हैं। वहां पर आप कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा को केजरीवाल संबोधित करेंगे। जेल में बंद आप विधायक चैतर बसावा को भी केजरीवाल से मिलने का कार्यक्रम है। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि ईडी के समन गैर कानूनी है। जो भी नेता भाजपा में शामिल नहीं होता उसे ये लोग जेल में भेज देते हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी इन्होंने इसीलिए जेल में डाला है। अगर वे भाजपा से हाथ मिला लेते तो जेल से बाहर होते। जो भी व्यक्ति इनसे हाथ मिला लेता है वह ईमानदार हो जाता है। केजरीवाल ने कहा कि देश में बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है, मेरे खून का हर कतरा देश के लिए है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप लोग 2 साल से शराब घोटाले का नाम सुन रहे हैं। जांच एजेंसियों को इस घोटाले में एक भी पैसा नहीं मिला है। वजह ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। अगर होता तो जांच एजेंसियों को पैसा मिलता। बीजेपी मुझे झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवाना चाहती है। PDS NBT ऑनलाइन।